बच्चों ने निकाला पाकिस्तान के विरोध में जुलूस, तो उन पर हुआ हमला, कई बच्चे हुए घायल। मामला जनपद फतेहपुर की बिनकी तहसील का है, जहां शाहजहांपुर कस्बे में स्थित रामसनेही पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए जुलूस निकाला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू ही किए थे। तभी अचानक कुछ लोगों ने छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता की और मारपीट करनी शुरू कर दी। तभी राहगीरों और ग्रामीण इलाकों के लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और बिनकी सीओ अभिषेक त्रिपाठी ने जनता को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और जिन लोगों ने बच्चों के साथ अभद्रता की उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हमले में कुछ बच्चे हुए हैं घायल। फतेहपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कैसे हुआ मामला ये बताएं आप। सर जी, रास्ते में लड़कियां साथ में चल रही थी, उनको हटाने के लिए उस लड़के से कहा गया कि भैया रास्ता दे दो, तो उसी जगह शांत होने के बाद साथ में चले आए, नहर पे आके मारपीट कर दी। तो आप लोग शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक सभा आयोजित की थी, जो आप निकल रहे थे जी। तो आपके साथ इन लोगों ने मारपीट की जी। कितने लोग घायल हैं आपके यहाँ? छात्र छात्राएं 7-8 लोग हैं। उनको क्या सीरियस है वो जी? माता जी ये बताए कैसे हुआ ये? शहीद जो शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो बच्चों पर कैसे हमला हुआ? ये हम लोग नहीं थे यहाँ, जुलूस निकाला था, गांव से घूम के यहाँ पे आए थे जुलूस निकाल के। तो ये बच्चे ऐसे खबर मिली कि बच्चे को मारा तालाब में, खेत खेत मारा, क्यों मारा, ये क्या है? हिंदू मारा इंडिया छोड़ दे, क्या प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई की या नहीं? नहीं की है, कोई नहीं सुनाई यहाँ पे। यहाँ पर जाम पुलिस इनमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं?